मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, एम बी ए इंटरनेशनल बिजनेस। पिछले 22 साल से प्रोफेशनली आई वर्क्ड इन इंडिया और विश्व में हर कंट्री में जाकर काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल इश्यूज़ को वी शुड हाईलाइट दीज इश्यूज़। तो आई रिजाइन फ्रॉम टाटाज इन 2019। वी हैव स्टार्टेड दिस वेंचर्स क्रीवा एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आई हैव प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट 6-7 मूवीज एंड रेस्ट 15 मूवीज आर इन पाइपलाइन विच आर रिलेटेड टू द सोशल कॉजेज। एंड आवर गोन मेन मोटिव ऑफ दिस वेंचर इज ओनली टू गिव यू नो होलिस्टिक लाइफ टू द वर्ल्ड। सो दैट्स द रीजन। ये 2016 में पहले ये रिलीज हो चुकी, तो अब इसे आज के दिन एड्स दिवस के दिन रिलीज करने का क्या मकसद है आपका? 2016 में से लेके आज तक मूवी को बहुत सराहना मिला और हर कोई उस मूवी को देखना चाह रहा था। तो हमने सोचा कि हम स्क्रीवार में, क्योंकि हमारा कॉज ही सोशल कॉज है, स्क्रीवार एंटरटेनमेंट का जो खोलने का रीज़न ही यही था कि हम सोशल कॉजेज़ को हाईलाइट करें, सो दैट जितने भी समाज में जो कृतियाँ हैं और हेल्दी माइंड लोगों को हम दे पाए। इस मूवी में क्या दिखाने की कोशिश किए हैं आप? इट्स अ एड अवेयरनेस, एड्स जो कि आज की डेट में मोर देन 1 लाख लोगों को इंडिया में एड्स हो रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है, और एक बहुत बड़ी कृति है जो कि पूरे समाज से दूर होनी चाहिए और हम उसी तरफ कार्यरत हैं। मूवी देखकर कैसा लगा आपको? मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में मूवी नहीं देखती, जब मैंने इसका देखा तो बिल्कुल दिल से छूने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिकली हम गांव देहात में आज भी हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो गांव देहात में वो वही की वही चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाया गया है, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल महिलाओं के ऊपर बिल्कुल जो होना चाहिए, जो हो रहा है और जो होता आ रहा है आज भी वो हो रहा है जो इसमें दर्शाया गया है। ये असल में मैं चंद्रपाल जी के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, लकीर द फकीर, जो दुनिया भर में लोगों ने बहुत पसंद की, हम सब इंडिया में भी बहुत तारीफ हुई थी इस फिल्म की। और चंद्रपाल जी क्रिएटिव बहुत अच्छा सोचते और सबसे बड़ी बात है देश के प्रति सोचते हो, और ताकि मुझे एक ऐसा मैसेज मिले जो समाज में लोग सीख सके। और लकीर के फकीर के बाद ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था और बोले यार मेरा ऐसा है मैं कि मैं कुछ एक मैसेज एक संदेश दूँ। तो बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर होते जो समाज को एक अच्छा प्रोजेक्ट देते। तरुण जी के साथ अगर मौका मिले आपको तो काम करना चाहेंगे? मैं आया इसलिए कि मैं मौका दे तरुण जी और डेफिनेटली देंगे, क्योंकि बड़े उनका स्वभाव बहुत प्यारा है, हंसमुख चेहरा है, हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर जा रहे हैं और मुझे अच्छा रोल सब। बहुत बहुत बधाई देने पड़ेगा इस प्रयास को, बहुत उन्नति मिले और जो इंटरटेनमेंट है उसको बहुत आप लोग का सपोर्ट मिले। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे भाई का लाभ होगा और हिट होनी चाहिए, उसकी फिटिंग आपके पास है, अच्छे से फिटिंग करिए, हिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। राम भाई की विशेष बहुत है हमारे लिए और उनका आशीर्वाद ही से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। वो बहुत बहुत देश से जो स्क्रीनिंग हुई है, स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट, तो उसकी शुभकामनाएं हम चाहते हैं ये और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पर एक चीज़ बनी है और आगे भी जाकर इनका और बड़ा बड़ा काम हो स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन पर। शुभकामनाएं देता हूँ, बस इतना है, मैं खुश रहो, आबाद हो। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस काम के लिए? जब आपने लिखा तो क्या कुछ दिमाग में था? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी बात कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमारे डायरेक्टर के पास में कहानी के रूप में 2004-05 से थी, लेकिन वो घूमते रहे, फिर हमें मिली है 2009 में स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करने के लिए। स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो घूमते रहे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट को हाथ लगाने से अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी घबराते हैं। तो मैं फिर से बधाई दूंगा चंद्रपाल जी को और स्क्रीवार एंटरटेनमेंट तरुण आनंद जी को,
जो एक बार रिलीज होने के बाद इस फिल्म को वापस लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में एक दो विषय नहीं है, समाज के बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में फिल्म बात करती है, चाहे वो बेमेल विवाह हो उसके बारे में बात करती है, चाहे वो गरीब मजदूरों का कैसे शोषण किया जाता है उनकी पगार न देकर, चाहे वो महिलाओं के प्रति किस तरह की सामंती प्रवृत्ति सोच वाले लोग बात करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनका शारीरिक लेके मानसिक शोषण तक करते हैं। तरुण जी ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है, इट्स वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इससे इंडिया का भविष्य जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। सो तरुण जी ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है, और हर देश में, हर शहर में अगर ये ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाएं, तो इंडिया इज़ गोइंग टू शाइन, इंडिया इज़ गोइंग टू शाइन। सो आई वुड जस्ट से ऑल थैंक्स टू तरुण जी। अपनी तरह से हार्दिक बधाई देता हूँ भोली फिल्म के लिए। एक वर्ल्ड एड्स डे पर इनका एक बहुत अच्छा कदम है, और इस तरह की फिल्में समाज को जागरूक तो करती है, साथ साथ कहीं ना कहीं सिनेमा को पसंद करते हैं उनको ये बात से भी अवगत कराती है कि इस तरह की सिनेमा से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको सोसाइटी एक टैबू समझती है, उनसे हमें फाइट करना चाहिए। तो अब एक बार फिर से इन सारे इस प्रोडक्शन हाउस के जुड़े सारे व्यक्तियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाय, आई एम ऋषि भारद्वाज, मैं एक मॉडल हूँ और एक्टर हूँ, और मैं मिस साउथ इंडिया भी बन चुकी हूँ। और ये मूवी को देखते हुए ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है महिलाओं के लिए वर्ल्ड एड्स डे पे, और ऐसी मूवीज और आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। हाय, मेरा नाम प्रतीक है, मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ, और मूवी जैसे लिखी गई है, एक डायरेक्शन बहुत प्यारी हुई है, और ये बहुत कदम बहुत अच्छा उठाया गया है इस मूवी को लेकर। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बहुत सारी ऐसे अपना स्क्रीन प्ले उठाएंगे और स्टोरीज उठाएंगे इस डे को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मूवी देखकर। थैंक यू। जागरूकता अभियान के तहत स्क्रीनर प्राइवेट लिमिटेड, इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक बार फिर से नारी सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें बताया गया है कि नारी का जो शोषण हो रहा है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कितना विभत्स होता है, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया गया है, लोगों में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है कि गलत का परिणाम गलत होता है। इसलिए मित्रों, जागो और किसी भी गलत चीज़ों का अंजाम देने से 100 बार सोचो, 1000 बार डरो, और आप अपने अच्छे कर्म करने के तरफ सोचो, बुरे कर्म से बचो। मैं अपने और हमारी टीम के तरफ से स्क्रीवा इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बधाई देता हूँ। इस फिल्म का और इस फिल्म का जो संगीत है, जिस तरह का सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रख करके, इसके संगीत और इसके बोल, इसका साउंड डिजाइनिंग, सारा चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया है। और जिन लोगों ने भी देखा है, जिन लोगों ने भी सुना है, मुझे काफ़ी पसंद किए हैं, और कोशिश की किया गया है कि जो ये मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है, तो म्यूज़िक में और उसके बोल में, उसके गायन में भी वो सारी चीज़ें झलक दिखे, और लोगों को दिखा है, बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का आप लोगों के माध्यम से। सर, क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर, इस तरह का कुछ इसके बारे में? देखिए, सिनेमा का मकसद होता है किसी भी मैसेज को देना, किसी पॉजिटिव मैसेज को देना। ये मूवी जो है एड्स के अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत प्रॉब्लम है एड्स को लेकर के। हालांकि दूसरे वायरस अभी हाईलाइटेड हो गए हैं जैसे कोरोना, लेकिन एड्स वायरस बहुत टाइम से है और लोगों की जिंदगियां ले चुका है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सच्ची फिल्म बनाई गई है, और मैं स्क्रीनिंग में आया हूँ, आई वुड लाइक टू सी दिस, एंड आई एम श्योर कि मतलब डेफिनेटली अच्छी फिल्म होगी। ऑलरेडी ये एयर पर तो है ही, और मैं यही चाहूँगा कि मतलब जो इन लोगों की नीयत है वो मतलब साफ है, ये जानता हूँ मैं, और उससे मतलब पब्लिक तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को दोबारा देखें। जी नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों को
मैं कंचन अवस्थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म के लिए यहाँ पर आई हूँ। इस फिल्म का प्रीमियर है, ये फिल्म इससे पहले भी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है प्राइम अमेज़ॉन पे और मैंने देखी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, सभी को दिल से बधाई है। और मुझे लगता है इसमें जो एक संदेश है, एक मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल थॉट है, ये सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं, ये मेल के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल्स के लिए ज़रूरी है। तो इस संदेश को सब लोग देखें और इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं, मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए। और साथ ही साथ फिल्म के सभी कलाकारों को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। आई थिंक स्टोरी इज़ वेरी गुड बट आई बिलीव डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर हो सकती थी बिकॉज सिंस द स्टार कास्ट इज़ वेरी गुड, यू हैव द बिग स्टार कास्ट, मतलब जो मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी ओवरऑल जो फिल्म की स्टोरी जा रही है इट्स वेरी गुड, लाइक और बेटर हो सकती थी, मतलब आपको कमी कहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या कम लग रहा है कि और बेटर हो सकता था? बेसिकली फॉर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मेंस वाइज तो रघुवीर जी की तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लाइक आई रियली लव हिज परफॉर्मेंस। मेरा बेसिकली ध्यान उनकी तरफ ही था सारा का, एंड दैट एक्ट्रेस जो कि बड़ी बनेंगे और हल्का सा वो सटन हो सकता है, आई डोंट नो कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे तो वो वैसा ही होगा, लाइक इट जस्ट फील फेल्ट कि समवेयर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो सकती थी। और बेटर 5 स्टार में कितना स्टार देंगे आप? आई विल गिव यू 3 स्टार। और आप? सर मैं हूँ मनीष नाहर। आज आपने कौन सी मूवी देखी? मैं अभी भौरी मूवी देख कर आ रहा हूँ। तो मूवी कैसी लगी? मूवी अभी आधी देखी है मैंने, लेकिन सर बहुत अच्छी मूवी है, मैं चाहूँगा कि हर किसी को एक बार ये मूवी देखनी चाहिए और ऐसी मूवियाँ बननी ज़रूरी है। तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा? सारे सीन, मतलब जहाँ शुरू से लेकर के अभी तक जो देखा मैंने बहुत ही अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, सारे सीन्स अच्छे रहे सर। 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहोगे? 4 स्टार। आज आपने कौन सी मूवी देखी? आज मैंने भौरी मूवी देखा। तो कैसा रहा मूवी? मूवी के बारे में कहना, शब्दों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी अच्छी तरीके से इसे पिक्चराइज किया गया और ये स्क्रीवा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड अगेन जो 2017 में रिलीज मूवी को फिर से लाने का कोशिश किया और जागरूकता अभियान को फिर से जगाने की कोशिश किया, नारी सशक्तिकरण को फिर से जगाने की कोशिश किया उसी मूवी से जो एक बार पहले भी टैक्स फ्री हो चुका है, आज फिर से इसे नए तरीके से पेश कर समाज में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है। वाकई अगर सीन की बात करें तो कितने सीन और कौन से सीन अच्छे लगे आपको? इसमें से कोई भी सीन ऐसी नहीं है जो नेग्लेक्ट किया जाए, अच्छी ना कहा जाए, एक से एक सब द बेस्ट सीन इसमें लिया है। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों के लिए? मूवी बहुत ही अच्छी है और मूवी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है, एड्स जैसी गंभीर बीमारी के जरिए जैसी मूवी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, सारे एक्टर्स, सब दिग्गज एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म। अगर स्टार की बात किया जाए 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिए इस मूवी को? 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगी 3.5। सर मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छी कॉमेडी है। क्या कहना चाहेंगे और इसके बारे में? कॉमेडी में अच्छी चलेगी मूवी, अच्छी चलेगी और जो स्टोरी है बहुत बेहतरीन स्टोरी है इसकी। अगर सीन की बात करें तो कौन सा सीन आपको अच्छा लगा इस मूवी में? सभी सीन अच्छे हैं। तो 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार में से कितना? 5 स्टार। थैंक यू।